अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा शाही सिलाई सेंटर। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ और उसके लिए मैंने ये शटर लेस ली है और साथ में कॉटन की रेड कलर की पाइपिंग ली है। तो रेड कलर की पाइपिंग और शटर लेस को जो है हम आपस में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरह करते हुए। यहाँ सिलाई लगाएंगे किनारे पर। हमारी लैस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही नीट बहुत ही प्यारी सी बन गई है। तो अब हम ज़रा गले की ड्राइंग कर लेते हैं। गला हमने इसका चौड़ाई में रखना है 3.25 इंच। और इसकी लंबाई रखनी है हमने 6 इंच। इसको इस तरह गुलाई में शेप दे देनी है। 3.5 इंच बुकरम की साइडों पर चौड़ाई रखते हुए यहाँ से कटिंग कर देंगे और शर्ट के हिस्से के ऊपर इसको प्रेस करके चिपका लेंगे। गुलाई में ऐसे लेस लगाएंगे। पहली लेस जो है वो हम बगैर पाइपिंग वाली लगाएंगे। गुलाई के साथ किनारी पर रखते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी पट्टी है जो है हम किनारी वाली लगाएंगे जिसके साथ हमने कॉटन की पाइपिंग लगाई है। कॉटन की पाइपिंग लगाने की वजह से ये माशाल्लाह से बहुत नीट लग रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गुलाई में शर्ट को सेट करते हुए साथ साथ सिलाई किनारी पे लगाते जाना है। गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। इसी तरह अब हम तीसरी लाइन भी यहाँ लगा देंगे, बिल्कुल सेम मार्जिन रखते हुए। कॉटन की पाइपिंग लगने की वजह से ये माशाल्लाह बहुत आसानी से गुलाई शेप में जो है इसकी मुड़ाई हो रही है। इसी तरह माशाल्लाह से हमारी तीसरी लाइन भी मुकम्मल हो गई। अब बैक साइड करते हुए अंदर वाला कपड़ा काट देंगे। एक पट्टी तैयार की है जो कि हम इसके सेंटर में लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1 इंच रखी है। पट्टी लग चुकी, अब हम उसको बैक साइड की तरफ को पलटते हुए ऊपर वाले गले पे पाइपिंग लगा लेंगे।
ऊपर की तरफ को मोड़ के यहाँ भी ऊपर सिलाई लगाएंगे किनारी किनारी पे, और दूसरी सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारी पे, ताकि इस पाइपिंग पे डबल सिलाई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा गला तैयार होगा। पट्टी के ऊपर हम छोटे छोटे से बीज लगाएंगे। बहुत शुक्रिया गाइस मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे सुनने के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।